नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। ज़िंदगी में कंपाउंडिंग क्या कर सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है कि कोई भी व्यक्ति का एज अगर 30 से कम है या 30-35 है, शुरुआत यदि 15,000 रुपये पर मंथ किसी तरह से भी कर दे, पैसा काट करके खर्च करने के बाद अगर 15,000 रुपये पर मंथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और ऐसा 15 साल करते रहे, तो 15% के रेट से यदि डिलीवर होता है रिटर्न, तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं, मैं SIP के कैलकुलेटर में, यहाँ तीनों कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, SIP, लमसम और पेंशन SWP। 15,000 रुपये पर मंथ, 15 साल, 15% के रेट से 27 लाख जमा होता है और 1 करोड़ 1 लाख रुपये बन जाता है। अब जब ये 1 करोड़ बन जाए, तो इस पैसे को लमसम में 10 साल के लिए और रिमेन इन्वेस्टेड छोड़ देंगे। इस 1 करोड़ को 10 साल के लिए छोड़ देंगे, पैसा देना बंद कर देंगे। और यदि बाद में 13% का रिटर्न कैलकुलेट करूँ, तो 1 करोड़ का वैल्यू 3 करोड़ 39 लाख रुपये बन जाता है। यहाँ पे पहले 15,000 का SIP शुरू हुआ, 1 करोड़ बन गया। तो 30 साल से अगर शुरू किए थे और 15 साल टाइम दिए, 45 साल एज हो गया, 45 के बाद 10 साल इस पैसे को छोड़ दिए, और ये मान के चलते हैं कि 55 में रिटायरमेंट लेंगे, 10 साल के बाद ये 3 करोड़ 39 लाख रुपये बन जाता है। जब 55 साल एज हो जाएगा, तो ऑन रिटायरमेंट लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस जब होगा, यहाँ से अब पेंशन लेना शुरू करेंगे। अब SWP के ऑप्शन में जाते हैं, 3 करोड़ यहाँ पे जमा है और यहाँ से लेना शुरू करेंगे पेंशन आने वाले 15 साल तक के लिए, और 10% का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो टोटल पेंशन विड्रॉ हो जाएगा 3 करोड़ 24 लाख रुपया, और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 5 करोड़ 83 लाख रुपया। टोटल वर्थ का मतलब है दोनों को, जो लिया और जो बैलेंस बचा, दोनों मिला के 9 करोड़ रुपया बचता है। ये जो हमने 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, इसका वर्थ टोटल 9 करोड़ रुपया होता है आने वाले 15 साल में, जबकि इसमें से 3 करोड़ 24 लाख रुपया हम पेंशन विड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे 15,000 रुपया से शुरुआत किया, 15 साल तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो ये जो कंपाउंडिंग खेल खेलेगा ना, मैथमेटिक्स, लाइफ टाइम, लंबे समय में आप देखेंगे कि जितना भी आपने एसेट बना के रखा है, म्यूचुअल फंड इतने ड्यूरेशन में उन सबको बीट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ करके 5 फंड में टोटल 15,000 रुपया करना है, तो मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि बैंक रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शुरुआत में, या शुरुआत नहीं भी है, एक्सपर्ट भी हैं, तो यही फंड लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने वाला है। फंड का नाम है SBI म्यूचुअल फंड, ICICI, HDFC, कोटक, एक्सिस। दो और को जोड़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए तो निपोन और DSP भी जोड़ सकते हैं। इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप यही सेलेक्ट करना है। मिड कैप स्मॉल कैप का अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं कि 15,000 रुपये पर मंथ किया स्मॉल कैप कैटेगरी में, लास्ट 15 साल का रिकॉर्ड। फंड का नाम है DSP स्मॉल कैप, कोटक, फ्रैंकलिन, क्वांट। ये इसलिए है कि 15 साल पहले SBI, एक्सिस ये सब नहीं था, तो जो जो फंड होगा उसी के बारे में दिखा सकते हैं। कब से कब तक? 2008 से लेकर 2022 तक। तो एवरेज यहाँ पे आप देखेंगे 20%, 18%, 18%, 16%। कैटेगरी एवरेज का अगर बात करते हैं, तो 17% का रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी ने दिया है। अगर एवरेज का बात करते हैं, 15,000 रुपये पर मंथ के दर से 27 लाख जमा होता है, 1 करोड़ 11 लाख रुपये बनाया है। जो सबसे बॉटम का फंड है वो 87 लाख रुपये बनाया है। बॉटम का फंड कौन सा है? आदित्य बिरला स्मॉल कैप। और टॉप का जो फंड है उसने 1 करोड़ 44 लाख रुपये बनाया है, टॉप का जो फंड है DSP स्मॉल कैप। अब मिड कैप का बात करते हैं, मिड कैप में भी सेम 15,000 रुपये पर मंथ किया, तो पहले नंबर पे आता है HDFC अपॉर्चुनिटी फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 2008 से लेकर 2022 तक इसने 15,000 रुपया का 1 करोड़ 29 लाख रुपये बनाया है, 18.97। अगर एवरेज का बात करें, कैटेगरी एवरेज कि सब में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कैटेगरी एवरेज 16.92, 1 करोड़ 8 लाख रुपये बनाया है। हमने वहाँ कितना कैलकुलेट किया था? 15% के रेट से। 13 भी होगा, 12 भी होगा, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ सेफ जहाँ भी आप कर रहे हैं, उससे आपका 2 गुना पैसा होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।